हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। फ्रेडरिच फ्रोबल को पढ़ेंगे जी, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशनल थियरी या प्रैक्टिस किस तरीके की वो फॉलो करते थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने रूसो, जॉन ड्यूई, बहुत सारे और भी थिंकर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। सो इन थिंकर को भी जानना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। स्पेसिफिकली एक किंडरगार्टन जो मेथड इन्होंने दिया है उसके लिए ज़्यादा फेमस है और उसी के लिए जो है इनका क्वेश्चन भी आ जाता है। सो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है। सो सबसे पहले फ्रोबल की लाइफ से शुरू करते हैं, और लाइफ की बात करें तो ये फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम के लिए काफी जाने जाते हैं, एक ग्रेट एजुकेटर और फिलोसोफर ये रहे हैं, ठीक है। एक और इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल ट्रेंड इन एजुकेशन भी जाना जाता है, बट एग्जैक्ट वर्ड आए तो ही ये फादर आप मानिएगा, अदरवाइज फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड तक आप इनको याद रखिए, ओके। साउथ जर्मनी में एक जगह है छोटी सी, वहां पे एक स्मॉल विलेज में इनका जन्म हुआ 1782 में। नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, बट जर्मनी याद रखिए आप कि जर्मनी से रिलेटेड है ये। जब वो 9 साल के थे तब इनकी मदर जो है वो एक्सपायर हो जाती है, अपनी मदर को खो देते हैं। जब ये 4 साल के होते हैं, 9 महीने के थे तब जो है इनकी मदर एक्सपायर हो जाती है, और जब ये 4 साल के होते हैं तब इनके फादर जो हैं वो दोबारा से शादी कर लेते हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्रोबल को जो है वो अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं मिली। इनकी जो स्टेप मदर है, सोतेली माँ जो है, वो भी अनफेयरली ट्रीट करती है इनको। सो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड जो है वो फ्रोबल बन जाते हैं, और काफ़ी अनहैप्पी बचपन इनका नजर आएगा आपको। सो ओवरऑल जब भी आप किसी की लाइफ की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप उनको इमेजिन कीजिए कि जैसे तो आपके पड़ोस में ही किसी की बात हो रही है, तो आप बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ठीक है, जो फला बच्चा है ना उसकी जो है मदर जब वो 9 महीने का हुआ तो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद जो है 4 साल का था जब उसके पापा ने दोबारा से शादी कर ली, उसकी सोते माँ उसे अच्छे से नहीं रखती थी, तो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह वो बड़े हुए। सो इस तरीके से आप एक स्टोरी के रूप में इनको याद रखिए। अब ये अनहैप्पी थे, ध्यान भी इन पे नहीं दिया जा रहा था, तो जो मैटर्नल अंकल थे होफमैन, वो जो है इनको, उनको दया आती है, और मामा लगा लीजिए आप मैटर्नल अंकल, सो वो इनको ले जाते हैं और 10 साल की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती करा देते हैं। 4 साल तक तो ये स्कूल में ठीक से टिकते हैं, कंफर्ट के साथ, ठीक है, अपने अंकल के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये स्कूल भी छोड़ देते हैं और वो जगह भी छोड़ देते हैं, और ये थोड़ा सा नेचर के करीब जाने लग जाते हैं। सो एक नेचर के साथ इनका इंटीमेट कॉन्टैक्ट, प्लस फॉरेस्ट में ये टाइम स्पेंड करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, प्लस फॉरेस्ट में रहने की वजह से, और दूसरी सिचुएशन एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो इनका फादर और मैटर्नल अंकल था उनकी वजह से एक आइडियलिज्म में इनका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो बहुत सारे आइडियलिस्ट फिलोसफ, बहुत सारे आइडियलिज्म जो आइडियलिस्टिक लोग थे, जैसे ये फिचे हैं, कांट हैं, तो इन लोगों से ये थोड़े से प्रभावित थे यूनिवर्सिटी डेज के दौरान भी, ओके। सो पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए फ्रोबल किस फिलोसफी को फॉलो करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आइडियलिस्ट, क्योंकि ये आइडियलिस्ट फिलोसफी से काफ़ी प्रभावित नजर आते हैं, ओके। इनका खुद का बचपन अच्छा नहीं था, इसलिए बच्चों के प्रति ये काफ़ी इंटेंसली जो है इंटेंसिवली सिंपैथेटिक थे उनके प्रति, और उनकी लाइफ, बाकी की जो लाइफ इनकी बचती है ये बच्चों के लिए ही उसको डिवोट कर देते हैं, बच्चों के लिए मतलब, बाकी बच्चों के लिए, खुद के बच्चों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सो देन ही वॉज इंटरेस्टेड इन नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए 18 साल की उम्र में ये जेना, यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में जो है एडमिशन ले लेते हैं, बट ये भी फाइनेंसिस की वजह से इसको पूरा नहीं कर पाते और ये कोर्स जो है ये छोड़ देते हैं। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कर दी फ्रैंकफर्ट से, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोज एसोसिएशन इनका होता है डॉक्टर ग्रूनर से, जो कि डायरेक्टर ऑफ मॉडल स्कूल थे, हु फाउंडेड कि फ्रोबल जो है वो एक एक्सीलेंट टीचर बन सकता है, ठीक है। तो उन्होंने फ्रोबल को बोला कि आप स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही स्कूल ज्वाइन होता है, ही फेल्ट एज हैप्पी एज फिश इन द वॉटर और बर्ड इन द एयर, तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं, जैसे मछली पानी में और बर्ड जो है वो हवा में खुश रहे, वैसे ही फ्रोबल जो है वो स्कूल में खुश हो गए। अब इन ऑर्डर टू बिकम टीचर जो फ्रोबल हैं, उन्होंने पेस्टोलॉजी इंस्टीट्यूशन जो है, आप पेस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फ्रोबल हैं वैसे ही पेस्टोलॉजी भी हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वो भी एक थिंकर हैं अच्छे एंड एजुकेशनल थिंकर हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने भी किया है इस फील्ड में, पेस्टोलॉजी का भी अच्छा खासा नाम है, इनफैक्ट बीएड वगैरह की कुछ जगह पे जो सिलेबस हैं वहाँ पे पेस्टोलॉजी मेंशन है, ओके। सो इनको भी पढ़ेंगे, तो इनका एक यवर्धन में जो है एक इंस्टीट्यूशन था,
वहां पे जाते हैं ये, एंड वहां पे ये सीखते हैं कि कैसे पढ़ाया जाए, तो 2 साल तक ये वहां रहते हैं। बट एक पॉइंट पे ये पेस्टोलॉजी के आइडियाज से जो है वो डिसअग्री करते हैं और अपने आप को उस स्कूल की सिचुएशन में अनफिट पाते हैं, तो ये वहां से उसको छोड़ देते हैं जी जॉब को, ठीक है। फिर इन्होंने गोटिंगन यूनिवर्सिटी जो है 1811 में शुरू की फिर से नेचुरल साइंसेस की पढ़ाई के लिए, बट यहाँ पर भी दोबारा से भी सक्सीड यहाँ नहीं होते। फिर इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की टू फाइट अगेंस्ट द अग्रेशन ऑफ नेपोलियन, बट ये जो मिलिट्री सर्विस है इससे उनको समझ आया ट्रू अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की और यूनाइटेड एक्शन की, कि सब मिलकर अगर एक्शन लेते हैं किसी चीज़ पे तो क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस एक डिसिप्लिन में अगर आप अपनी जिंदगी जीते हैं तो कैसा होता है। अब 3 साल के बाद इन्होंने ये जॉब जो है, ये सर्विस जो है, ये भी छोड़ दी और बर्लिन म्यूजियम में क्यूरेटर बन जाते हैं। एज ही वॉज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, सो यहाँ पर भी उनको ज्यादा मजा आया नहीं, मतलब उन्होंने कई कितने सारे प्रोफेशंस बदले, वो आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने नेचुरल साइंसेज पढ़ना शुरू किया, नेचुरल साइंस में फाइनेंसिस की वजह से नहीं हो पाया तो आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू किया, वहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे एक टीचर मिले तो वो जो है उनका, उन्होंने समझाया, उनको लगा कि फ्रोबेल एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, सो फ्रोबेल ने जाके ज्वाइन कर लिया स्कूल पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी के आइडिया से डिसअग्री हुए तो वापस से जाके नेचुरल साइंसेस पढ़ने लग गए, वहां से भी वापस सक्सीड नहीं हुए तो जो है ये वापस से आर्मी में चले गए, आर्मी में मतलब मिलिट्री में, मिलिट्री में भी ये 3 साल रहे और उसके बाद ये बर्लिन म्यूजियम में क्यूरेटर बन गए, वहां से भी इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि मन नहीं किया। फाइनली 1817 में इन्होंने एक छोटा सा स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया एंड ही ट्रांसफर्ड इट लेटर कहाँ पे, केहन में, तो एक जगह पे स्कूल ट्रांसफर शुरू किया, फिर ट्रांसफर किया जब उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेवलप किए। ये जो स्कूल है ये किंडरगार्टन नहीं है, ये छोटा सा स्कूल ही खोला था इन्होंने, ठीक है, क्योंकि स्कूल के एक्सपीरियंस से वो काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। एंड प्ले एंड आर्टवर्क वर द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्कूल। अब उनकी किताब 1826 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की जो काफी फेमस बुक है, द एजुकेशन ऑफ मेन, जिसमें इन्होंने बहुत सारी स्टेजेस के बारे में बताया, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। अब जर्मनी में इन्होंने काफी सारे स्कूल्स जो है वो शुरू किए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी जो है वो इनके रिवोल्यूशनरी आइडिया से, क्योंकि नेपोलियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए इन्होंने मिलिट्री शुरू की थी ना, यानी नेपोलियन के अगेंस्ट थे, सो पॉइंट ये है कि जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो इनके रिवोल्यूशनरी आइडियाज से कुछ खास खुश नहीं थी, ओके। और इनके जो जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जहाँ ये वर्किंग ऑफिस इंस्टीट्यूशन, वहां पे उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर आपकी चीज़ों से खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आपको झेलनी पड़ेंगी चीज़ें, सो वही चीज़ आपको यहाँ भी नजर आएगी। इंक्वायरी में एक फेवरेबल रिपोर्ट आती है, आई फाउंड हियर अ क्लोजली यूनाइटेड फैमिली ऑफ सम 60 मेंबर्स हेल्ड टुगेदर इन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड एवरी मेंबर सीकिंग द गुड ऑफ द होल। सो जो एम है इंस्टीट्यूशन का, बाय नो मीन्स नॉलेज एंड साइंस मेयरली, बट फ्री सेल्फ एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द माइंड फ्रॉम विद इन। सो आपको इसमें नजर आ रहा है कि इनकी किस तरीके की फिलोसफी थी, इनका ये बोलना था कि सेल्फ एक्टिविटी से बच्चे को सिखाना है, यानी वो माइंड अंदर से खुद ब खुद ही डेवलप होगा। सो यहाँ पे जो फ्रोबल है उसको बहुत सारी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं वो फेस होती हैं जर्मनी में काम करने में हर्डल्स की वजह से, तो वहां से छोड़ के इन्होंने स्विट्जरलैंड में अपना काम शिफ्ट कर लिया 1830 में, ठीक है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इनको अप्रिशिएट भी किया, इनके जो अपने जो टीचर्स थे उनको भी इनके स्कूल में भेजा ट्रेनिंग लेने के लिए कि अच्छा पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाया कीजिए प्री स्कूल में बच्चों को, ठीक है। बट इनको ये चीज़ जब नज़र वापस से हुई ना अपने देश के प्रति प्यार, सो ये वापस से 1836 में जर्मनी आते हैं और वहाँ पे फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल शुरू करते हैं, एक विलेज है ब्लैंकनबर्ग वहाँ पे 1837 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है जी, बहुत मोटे तौर पे आ गया तो पूछेंगे कि फर्स्ट जो है किंडरगार्टन स्कूल कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, तो जर्मनी में, लेकिन अगर जर्मनी नहीं दिया मिले तो जर्मनी का ये छोटा सा जो गांव है ब्लैंकनबर्ग, ये नाम दिया मिल सकता है, और 1837 में ये स्कूल इन्होंने यहाँ पे ओपन किया। अब कई जगह पे ये भी दिया मिलेगा कि स्कूल का नाम पहले क्या था, प्ले एंड एक्टिविटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और बाद में 1940 में जाके इन्होंने क्या किया, इसको किंडरगार्टन नाम दिया।
तो ये चीज आप थोड़ा सा फैक्चुअल चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन किस तरीके से है कि फर्स्ट किंडरगार्टन कब शुरू हुआ, तब तो हम 1837 बोलेंगे, जर्मनी बोलेंगे, ब्लैंकेनबर्ग और फ्रोबेन, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी ये क्वेश्चन कोई डीप में आ जाए तो कई जगह पे ये जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसका नाम प्ले एंड एक्टिविटी स्कूल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन उसके बाद 1840 में इसका नाम जो है वो किंडरगार्टन रखा गया। तो फ्रोबेल ने अपनी सारी की सारी लाइफ जो है वो किंडरगार्टन में कैसे अपरेटिस होने चाहिए, कैसे आप पढ़ाएंगे, उन चीजों के अंदर लगा दी। लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट जो है वो अभी भी इनके आइडियाज के अगेंस्ट थी, और ये जो रिजेक्शन था ना इनका अपनी गवर्नमेंट से, ये इनके अंदर तक, मतलब ये अपनी लाइफ में इसी को लेके जो है वो मरते हैं। तो ये इनके अंदर गिल्ट रहता है कि भाई ये ठीक, मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, फ्रोबेल जो है लवर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, फादर ऑफ किंडरगार्टन, 1852 में गरीबी, मिजरी और एगोनी की सिचुएशन में पास आउट हो जाते हैं जी, मर गए वो बेचारे यहाँ पे, ठीक है। हिज ग्रेव हैज बीन मार्क्ड बाय अ स्लेब विद अ क्यूब सिलेंडर एंड अ स्फीयर ऑन इट, दो ही डाइड येट ही लिव्ड फॉर द चाइल्ड। सो बच्चे के लिए तो वो आज भी जिंदा है क्योंकि किंडरगार्टन मेथड उनका जिंदा है, तो वो भी जिंदा ही रहेंगे, ठीक है। उनकी जो ग्रेट एम और पर्पस था वो एक हम लाइन में सम अप कर सकते हैं, कम लेट्स लिव फॉर आवर चिल्ड्रन, आइए अपने बच्चों के लिए जीते हैं, ठीक है। सो इन्होंने किंडरगार्टन के ऊपर काम किया, बट अपनी गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट इनसे खुश नहीं थी। सो उस चीज को ये थोड़ा सा, मतलब एंड तक भी इनके अंदर वो चीज रही, वो उससे हर्ट थे, उस इस रिजेक्शन से हर्ट थे कि मतलब स्विट्जरलैंड वाले तारीफ कर रहे थे इनकी आइडियाज की, मेथड्स की, पर जर्मनी वालों ने जो है, जो इनका खुद का देश था, वहां पे ये चीजें नहीं भी फिट बैठ पाई। ओके, सो ये इनकी लाइफ है। इनकी लाइफ के अकॉर्डिंग अगर फिलोसफी की बात करें तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़े एजुकेटर थे, ग्रेट फिलोसोफर थे, रिलीजियसली इन्फ्लुएंस थे अपने फादर और मेटरनल अंकल से, अपने जो आइडियलिस्टिक फिलोसोफर्स थे उनसे ये प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे। फिलोसोफिकल व्यूज की अगर बात करें तो वो आइडियलिज्म पे ही बेस्ड आपको नजर आएंगी चीजें, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो इन्होंने सीखा था ना कि यूनाइटेड एक्शन का क्या मतलब होता है मिलिट्री में जाके। सो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, सेल्फ एक्टिविटी में फोकस करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन सोशल सेटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली रहना तो सोसाइटी में ही है, तो सोशल सेटिंग में डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सिंबोलिज्म एंड किंडरगार्टन। तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं सारों को। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आइडियलिस्ट की तरह फ्रोबेल भी गॉड में बिलीव करते हैं कि अल्टीमेटली यूनिवर्स जो है वो एक ही है, गॉड की तरफ से गिफ्ट है, यूनिटी ऑफ मैन नेचर एंड गुड, इस चीज में ये फेथ रखते हैं, ठीक है। उनकी जो बुक है द एजुकेशन ऑफ मैन, वो रिमार्क करते हैं द होल वर्ल्ड, द ऑल द यूनिवर्स इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म जहाँ पे इटर्नल यूनिफॉर्मिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ। तो ये आप इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि यूनिवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, जितनी भी चीजें हैं चाहे वो सजीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं, एनिमेट और इनएनिमेट, तो जो वो क्या है, भगवान ने बनाई है। ओके, तो मैन एंड नेचर वो एक ही है, मैन और नेचर की यूनिटी की बात ये करते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो ऑल थिंग्स हैव कम फ्रॉम द डिवाइन यूनिटी, यानी भगवान से ही सारी चीजें आती हैं, वही सब चीजों का ओरिजिन है। तो ओरिजिन से हमें समझ आ गया कि हाँ, आइडियलिस्ट हम इनको बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या डेवलपमेंट किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ यूनिटी पे, यानी पिछले वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ओके, ये एडवोकेट करते हैं बैलेंस्ड और यूनिफाइड डेवलपमेंट, किसका, बॉडी माइंड एंड सोल, तो तीनों को आप साथ में चीजें डेवलप होंगी, तो एक साथ चीजें डेवलप करने के लिए ये उनके यूनिफाइड डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, ठीक है जी। ये बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है वो एवर चेंजिंग और ग्रोइंग है, डेवलपमेंट जो है वो विद इन एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स यूनिटी, यानी अपने अंदर ही डेवलपमेंट होना चाहिए और आप यूनिटी की तरफ भाग रहे हैं। सो एक अननेचुरल और आर्टिफिशियल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये इनर लॉज की बात करते हैं घूम फिर के, ठीक है। सो ये फुल डेवलपमेंट कम्स ओनली बाय स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी। सो इनका कहना है कि आप जब होलिस्टिक या अंदर से फुल डेवलपमेंट आएगा ना, वो स्पॉन्टेनिटी में एक के बाद एक चीजें होती जाएंगी और सेल्फ एक्टिविटी के थ्रू ही आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी आ गया। तीसरा,
प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी में ये कन्विंस है कि जो रियल ग्रोथ या डेवलपमेंट है पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्टिविटी के थ्रू, यानी बच्चा जो है यहाँ पे क्या हो, एक्टिव हो, कोई भी एक्टिविटी अगर उसको दी जा रही है। सो कोई भी फोर्स्ड एक्टिविटी जो कि आर्टिफिशियल और अननेचुरल हो वो उस पर फोर्स नहीं करनी है हमें, वो नहीं करवानी है बच्चे से। फुल फ्रीडम बच्चे को देनी है प्ले, और इसका फुल फ्रीडम देने का एक ही रास्ता है, उसको खेलने दीजिए, ठीक है। तो प्ले इज द प्योरेस्ट एंड मोस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ मेन। सो ये बहुत जॉय मिलेगा, इनर पीस मिलेगा, खेलेंगे तब जाके उनका जो है वो बॉडी माइंड और सोल का डेवलपमेंट होगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन सोशल सेटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब कोई नो यूनिट नो कम्युनिटी कैन प्रोग्रेस व्हाइल द इंडिविजुअल रिमेन्स बिहाइंड। सो आपको सोसाइटी तभी आगे बढ़ सकती है जब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो वो मतलब ये बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल इज नॉट अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी, तो वो सोसाइटी से अलग नहीं है, पार्ट ही है वो सोसाइटी का। तो सोसाइटी में ही जब चीज़ें हो रही हैं तो एक सोशल सेटिंग में उसको एडजस्ट करना, रहना सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल इंटीग्रेशन की भी बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिंबोलिज्म, इनका कहना है कि माइंड और मैटर में ना कुछ तो कनेक्शन होता है, मतलब एक मेरा दिमाग है और एक मान लो मैं ये लैपटॉप देख रही हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में कनेक्ट करेगा। तो ये लैपटॉप किस चीज़ का सिंबल है, ये आगे जाके जो है एक नेगेटिव पॉइंट भी बनेगा कि इमेच्योर माइंड्स हैं बच्चे, उनको नहीं पता कौन किस चीज़ का सिंबल है, ओके। सो बट ये प्रिंसिपल ऑफ सिंबोलिज्म की बात करते हैं कि पर्टिकुलरली मतलब होता है ना जो चॉइस ऑफ गिफ्ट है वो बच्चे की तरफ से एक सिंबल ही होते हैं कि वो किस तरीके की चीज़ें सीखना चाह रहा है, ओके। बट बच्चे को उस टाइम पे नहीं पता होता, उसको सब चाहिए होता है। सो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कंसिडर करनी रह गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ किंडरगार्टन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है किंडरगार्टन का, कि वो मिनिएचर सोसाइटी है यंग चिल्ड्रन के लिए। किंडरगार्टन एक तरीके से नर्सरी है फॉर फ्यूचर सिटीजन, टीचर जहाँ पे गार्डनर है, स्टूडेंट्स वहाँ पे डेलिकेट डेलिकेट प्लांट्स हैं, उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ टीचर है, और उनको देखभाल करते हुए बड़ा करना वो टीचर का काम हो जाता है फिर, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल इतना सा है कि एक छोटी सोसाइटी की तरह वो लेके चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रोबल का किंडरगार्टन, इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ये मैंने बता दिया 1837 में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। ये बहुत ही एक वो ग्रेट नेम एंड फेम जो है वो लेके आते हैं किंडरगार्टन मेथड फ्रोबल के लिए। मीनिंग क्या है, किंडरगार्टन का जर्मन वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, यानी किंडर बच्चे और किड्स की तरह, और गार्डन मतलब गार्डन। सो बच्चों का एक गार्डन है और उस गार्डन का माली गार्डनर कौन है, टीचर है, ओके। सो किंडरगार्टन एक मिनिएचर स्टेट होगा बच्चों का। इट इज़ द होम फॉर चिल्ड्रन टू प्ले फ्रीली, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी पर्सनालिटीज को डेवलप करना। सो बेसिकली एक फ्रोबल के अकॉर्डिंग स्कूल जो है वो नर्सरी, जो हमने अभी अभी बात की कि टेंडर प्लांट्स हैं बच्चे और उनका ध्यान रखने के लिए हमारे पास गार्डनर है। सो एक ग्रेट सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी प्लांट में और चाइल्ड में जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसे प्लांट भी धीरे धीरे अपने आप से बड़ा हो रहा होता है, वैसे ही बच्चा भी अपने आप से ही डेवलप होगा विद इन, तो वो इननेट टेंडेंसीज जो है उसके अंदर वो ही डेवलप होंगी धीरे धीरे करके, ओके। एनवायरमेंट कैसा रहेगा किंडरगार्टन का, डेफिनेटली फ्रीडम का, पीस का, प्लेस जॉयफुल, बहुत अच्छा एनवायरमेंट रहेगा जिसमें सेंस ऑफ सोशलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हमें बच्चे के अंदर इनकलकेट करनी है, ओके। फ्रोबल का जो किंडरगार्टन है उसमें स्कूल विदाउट बुक्स है, मतलब कोई फिक्स्ड जो इंटेलेक्चुअल टास्क है वो उनको नहीं दिए जा रहे, फिक्स्ड चीज़ें नहीं है, स्पॉन्टेनियस चीज़ें हैं, सेल्फ एक्टिविटी है, स्पॉन्टेनियस चीज़ें हैं, किताबों की बात यहाँ पर नहीं की गई है। बट वो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, सॉन्ग्स, जेस्चर्स, राइम, जैसे पोएम सिखाते हैं ना बच्चे को, मछली जल की रानी है, तो वो उस तरीके से स्पॉन्टेनिटी में आप चीज़ों को सिखाइए, राइम करके, सॉन्ग से, सेल्फ एक्टिविटी से, तो वो सारी चीज़ें करवानी है जिससे कि बच्चे में एक जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी है या फिर क्रिएटिविटी हम डेवलप कर पाएं, जो है बेसिकली उसके अंदर होगी इनिट टेंडेंसी जिसकी वजह से हमें उसको थोड़ा सा बस एनहेंस करना है, जो उसकी इनिट पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ओके। सो ओवरऑल आपको सिर्फ यही नजर आ रहा होगा कि बच्चे को खुद करने देना है, एक फ्री एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। इट हेल्प्स द चाइल्ड टू ट्रेन अप हिज हैंड्स, लिम्स, तो एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है जैसे ब्लॉक या पेपर या क्ले, तो आप बच्चे को कंस्ट्रक्शन के लिए दीजिए कुछ चीज़ें, सो वो खुद ब खुद करके देखे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बड़े चाव से बुक्स उठा लेते हैं, कॉपी उठा लेते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ जो भी उनसे हो पाता है वो करते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है।
किंडरगार्टन का ऑब्जेक्टिव क्या है, गिव द चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीमेंट विद द होल नेचर. सो बच्चों को इस तरीके से आपको एंगेज रखना है, ये ऑब्जेक्टिव है. बॉडी बच्चों को फिजिकली फिट करना है, स्ट्रेंथन बनाना है, उनकी सेंसेस को ट्रेन करना है, क्योंकि नॉलेज का गेटवे क्या है, सेंसेस के थ्रू ही. मतलब अगर यहाँ नॉलेज है ना, तो यहाँ पे गेट क्या है, वो गेट सेंसेस है. सेंसेस के थ्रू ही आप नॉलेज तक पहुँच सकते हैं. उनके एंगेज करना है उनका जो अवेकनिंग माइंड है उसको, ताकि वो एक क्रिएटिव माइंड जो है वो बन पाए. एक राइट हार्ट एंड अफेक्शन, मतलब एक राइट डायरेक्शन में हमें उनको क्या करना है, गाइड करना है, और वो गाइडेंस का काम टीचर का रहेगा. सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई किंडरगार्टन की, सो फर्स्ट किंडरगार्टन 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 1837 में जर्मनी में ब्लैंकनबर्ग में प्रोटेक्ट कर रहे थे. ये कहाँ से, जो डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस था नेपोलियनिक वॉर्स का, कैपिटलिज्म का, तो ये सोशल रिवॉल्यूशन का, तो उससे बच्चों को ही प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे. इसलिए इन्होंने एक किंडरगार्टन खोला, यानी उस गार्डन में ही बच्चे सीखें. ओके, कैसे सीखेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं, सेल्फ एक्टिविटी है, क्रिएटिवनेस है, सोशल पार्टिसिपेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस है, एक्टिविटी मेथड है, और फ्रीडम और ग्रोथ, फ्रीडम दे के बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं. ओके, करिकुलम देखिए, ऐसा एज इट इज कुछ फिक्स्ड करिकुलम तो इन्होंने नहीं दिया. ये एडवोकेट करते हैं कि सेंसरी डेवलपमेंट होना चाहिए इन्फेंसी में, प्ले मेथड होना चाहिए चाइल्डहुड में, और उसके बाद जो बॉयहुड आ गया ना, इन्होंने एडल्टहुड को बॉयहुड बोला है, तो वहां पे आप इंस्ट्रक्शंस देंगे स्पेसिफिकली, वहां पे करिकुलम सेंटर में आता है. ओके, इनका जो करिकुलम है जो कि बॉयहुड में आ रहा है, वो एक्टिविटी और सब्जेक्ट दोनों पे फोकस करता है. मैनुअल वर्क 5 डिवीजन इन्होंने किए हैं किंडरगार्टन के भी. मैनुअल वर्क होना चाहिए, मतलब करवा के देखिए चीज़ों को. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाएं. नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स पे फोकस हो, लैंग्वेज पे फोकस हो, आर्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स पे फोकस हो. सो ओवरऑल यहाँ पे एक्टिविटी करते हुए आपको बच्चे नजर आएंगे किंडरगार्टन मेथड में. सो एज इट इज कुछ डेवलपमेंट जो है वो, एज इट इज कुछ करिकुलम जो है वो है नहीं यहाँ पे. टीचिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, सो एक मिनिएचर स्टेट है, फ्रीली है, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस चीजें हैं, ना कोई फिक्स बुक है, ना कोई फिक्स करिकुलम है. सॉन्ग्स, जेस्चर, उन चीजों के थ्रू हम बच्चों को, राइम के थ्रू, खेल खेल में हम उनको सिखाना चाह रहे हैं. तो एक एजुकेशन जो है वो एक जॉयफुल एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए, जिसमें वो जाना पसंद करेंगे अगले दिन स्कूल. ओके, टीचर का क्या रोल है, सो कंपेयर करते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन को विद प्लांट्स, जो हम अब तक पढ़ चुके हैं. टीचर का रोल है गार्डनर का, जो उनका ध्यान रखेगा. सो टीचर का रोल पैसिव रहेगा एज इट इज, बिकॉज एक्टिविटी तो बच्चों को खुद ही करनी है, बट वो एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, वो टीचर का काम रहेगा. टीचर का सिर्फ इतना सा रोल है कि वो बच्चे के अंदर सारी चीजें इनकलकेट करने की कोशिश करे एक्टिविटीज के थ्रू. ओके, डिसिप्लिन कैसा रहेगा, तो डेफिनेटली जो बॉडीली पनिशमेंट है उसके तो ये डेफिनेटली अगेंस्ट हैं. आपको मोस्टली सारे फिलोसोफर्स, एजुकेटर्स या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अगेंस्ट ही मिलेंगे बॉडीली पनिशमेंट के. कोई भी ये नहीं बोलेगा कि बस पीट पीट के बच्चे को ठीक कर दो. ओके, सो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ हो गई. डिसिप्लिन जो है वो नोट ऑफ अ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हम बच्चे पे इम्पोज करेंगे. किंडरगार्टन में जो डिसिप्लिन होगा वो प्रोटेक्टिव और कोऑपरेटिव टाइप का होगा, जो कि लव, गुडविल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा. कि आप अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आप उसको प्यार से सिखा रहे हैं, प्यार से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको भी समझ रहे हैं और आप उसको खुद को समझने का मौका दे रहे हैं. ठीक है, सो वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ आपको बच्चे को आगे बढ़ाना है. He advocates the inculcation of self-control, जो कि inner discipline, which is inner discipline leading to outer. So, पहले inner discipline बच्चे में आएगा और वो अंदर से innate tendency है जो धीरे धीरे आएगी. वो ही बस वो सेल्फ कंट्रोल हमें inculcate करना है, outer discipline अपने आप आ जाएगा. एक और चीज ये जो याद रखने वाली है, फ्रोबल स्ट्रेस करते हैं वुमेन एजुकेशन पे, कि वुमेन को ट्रेन कीजिए बच्चों की जो ये प्री स्कूल वाली स्टेज है ना, इसके लिए, जो किंडरगार्टन वाली स्टेज है. एक एक तरीका ये, एक रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि वुमेन ही बच्चे को जन्म देती है, सो वो थोड़ा सा उससे कनेक्टेड फील करते हैं बच्चे. ठीक है, तो उससे वो एक प्यार और लव, एम्पथी, वो वाली फीलिंग बच्चे के अंदर जाती है. सो इसलिए वुमेन पे ये काफी फोकस कर रहे हैं कि आप उनको ट्रेन कीजिए बच्चे की इस स्टेज पे पढ़ाने के लिए.
किंडरगार्टन की मेरिट्स क्या क्या रहेंगी, डेफिनेटली 3 या 4 से 6 साल के बच्चे की नर्सरी एजुकेशन पे इन्होंने काफी फोकस किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन अर्ली एजुकेशन ये बताते हैं, उसको एम्फेसाइज करते हैं कि खेल की कितनी जरूरत है, कितनी अहमियत है। कॉन्सेप्ट जो है स्कूल का वो थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह, जहां पे बच्चा जो है वो वर्चू ऑफ कोऑपरेशन, सिंपथी, एम्पथी, वो सारी चीजें सीखेगा वहां पे। ओके, गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस, ये एक नया अप्रोच ये किंडरगार्टन मेथड के लिए लेके आते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब यही होता है, जैसे जॉब होती है, आप कहीं जाते हैं, उसी को हम कई बार ऑक्यूपेशन बोल देते हैं ना, आप उस एनवायरमेंट में रहते हैं। सो ये उस एनवायरमेंट की, जहां पे बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको ये ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं। ओके, फ्रोबल का जो किंडरगार्टन है वो बच्चों को क्रिएटिव वर्कर्स बनाता है, क्योंकि सेल्फ एक्टिविटी के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं। किंडरगार्टन एम्फसाइज करता है नेसेसिटी फॉर स्टडी ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंस्टिंक्ट, कि उसको अपने आप सीखने दीजिए, जो नेचुरली उसके अंदर आ रहा है ना, वो चीजें करने दीजिए। किंडरगार्टन प्रोवाइड करता है सफिशिएंट फॉर एक्टिविटीज, तो सफिशिएंट एक्टिविटीज यहाँ आपको नजर आएंगी। वो सेंसेस की ट्रेनिंग की बात करते हैं कि आप सेंसेस को ट्रेन कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंसेस जो है वो गेटवे है नॉलेज के लिए। नेचर स्टडी जो है वो बच्चे को नेचर के प्रति प्यार करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बहुत बढ़िया बात है, पॉजिटिव चीज़ है, बट करिकुलम को नेग्लेक्टेड कर रखा है, करिकुलम को नेग्लेक्ट है, बट फिर भी चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि किंडरगार्टन है, बच्चों के ऊपर ही फोकस है कम्प्लीटली। ओके, चाइल्ड विल नॉट लूज इंटरेस्ट टिल द एंड, तो हमें इस तरीके से हम एक्टिविटी और चीज़ें कर करके बढ़ा रहे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं जाएगा, उसको घर जाने का ज़्यादा मन नहीं करेगा, वो रोएगा नहीं घर जाने के लिए, हमें ऐसा एनवायरमेंट देना है। तो स्पिरिचुअल एटमोसफियर, फ्रीडम, लव, जॉय, कंटेंटमेंट, ये सारे का सारा क्या रहेगा, नेचर रहेगा किंडरगार्टन का, ताकि वहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का हो सके। बट डेफिनेटली चांद में भी दाग होते हैं, तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होंगी। इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनर डेवलपमेंट को दे दी, तो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट को जो है वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कंडीशनिंग या इस तरीके की चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, ये सिर्फ इनर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं ना। सो एक चीज़ की अति भी अजीब हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो इसी चीज़ को हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे। जो सॉन्ग्स बताए हैं फ्रोबल ने वो आउटडेटेड हो गए हैं, कि तो आजकल बच्चे मतलब होता है ना, यूटिलाइज नहीं कर सकते आप उनको स्कूल में, तो हमें नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब गिफ्ट ऑफ फ्रोबल जो है वो फॉर्मल है नेचर में, एंड वो सिर्फ सेंस ट्रेनिंग के लिए बने हैं, और प्लस वो जब सेंस ट्रेनिंग आप करते हैं, तो वो जो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, कि कैसे आप गिफ्ट देंगे बच्चे को, वो आर्बिट्रेरी है। तो वो मॉडर्न स्कूल्स में जो है वो चीज़ें, मॉडर्न स्कूल्स में साइंटिफिक डिवाइसेस के तरीके से चीज़ें होती हैं। ओके, देर इज़ अ लिटिल कोरिलेशन इन द टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, बट नेचर स्टडी की जब हम बात करेंगे तो वो बिल्कुल आइसोलेशन में है, और आइसोलेशन को हम जो है एक डीमेरिट मान सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जब आप कनेक्ट करके पढ़ाएंगे वो ज़्यादा बेटर तरीके से होंगी, रादर देन आइसोलेशन में पढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है सोशलाइजेशन के ऊपर, इंडिविजुअल अटेंशन नेग्लेक्ट कर दी है इन्होंने। अब आप मुझे बताएंगे, जो मैंने पढ़ाए थे रूसो, जॉन ड्यूई, सो उनमें से आप मुझे ये बताइए, और प्रैग्मेटिज्म नहीं, नेचुरलिज्म पढ़ाया था मैंने, कि इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस कौन करता है, जॉन ड्यूई और रूसो में से बताइए, कि बिल्कुल इंडिविजुअल पे, मतलब जो कि बाकी जो ग्रुप में है ना, मतलब करिकुलम या उन चीजों पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ इंडिविजुअल पे, कि इंडिविजुअल के हिसाब से ही करिकुलम होना चाहिए, वो बताइएगा मुझे कमेंट करके। सफिशिएंट ट्रेनिंग चाहिए होगी टीचर के पार्ट पे, कुछ नए सॉन्ग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए, नई टेक्निक सीखने के लिए, सो ट्रेनिंग सफिशिएंट देनी पड़ेगी, वो ज़रूरत है। अब कौन देगा वो ट्रेनिंग, एक बड़ा नया एक कॉन्सेप्ट खुल गया, एक नया एस्पेक्ट हमारे सामने है कि अब ट्रेनिंग भी देनी है हमें। ठीक है, एक्सेसिव एम्फेसिस है प्ले के ऊपर, जो कि बच्चे को सीरियस लर्निंग से और एक मीनिंगफुल मतलब लर्निंग से थोड़ा दूर लेके जाएगा, एजुकेशन को मीनिंगलेस बना रहा है ये, सो एक्सेसिव एम्फेसिस है प्ले के ऊपर। ओके, सिंबोलिज्म जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इमेच्योर ब्रेन्स हैं, उनको नहीं समझ आएगा कि आपको जो चीज़ दी गई है वो किस चीज़ के सिंबल में, मतलब वो क्या दर्शाती है, वो नहीं समझ पाएंगे। एजुकेटिंग चिल्ड्रन थ्रू गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन कॉस्टली भी होगा, टाइम और एनर्जी दोनों वाइज। ठीक है, सो आपको और ऑब्वियसली आप चीज़ों को सिखाएंगे, नई चीज़ें डेवलप करेंगे, तो उसमें टाइम तो लगेगा। जो दूसरा ये बात करते हैं चाइल्डहुड के दौरान प्लेवे मेथड की, प्लेवे मेथड जो टर्म है प्लेवे, वो एजुकेशन के फील्ड में ओके, क्लैडवेल कुक ने जो है वो ये टर्म दी है, इसको याद रखिएगा। प्लेवे में भी यही है कि आप खेल खेल में एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को सिखा रहे हैं, बट वहाँ पे जो है बच्चे को
इन्फेंसी के दौरान जब हम बात कर रहे थे तो वो किंडरगार्टन वाली बात हो रही थी, यहाँ पे अब थोड़ा सा चाइल्डहुड में हम खेल खेल में चीजें सिखाएंगे अब बच्चे को. ओके, प्ले जो है वो बच्चे को एक बैलेंस्ड सेल्फ, बैलेंस्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से बैलेंस करके लेके चलता है. तो इसलिए खेल जो है वो बहुत ज़रूरी है. फ्रोबल भी यही चीज़ बोलते हैं कि एक्टिविटी, जो सेवरल एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं और या प्ले की जो बात की है इन्होंने किंडरगार्टन में, वो उन्होंने यहीं से चीज़ें उठाई हैं कि हाँ खेल की ज़रूरत यहाँ पर है. फाइव काइंड ऑफ प्ले जो है वो यहाँ पे आती है. एक प्ले जिससे कि आप रिक्रिएशन या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी सीख रहे हैं, एक प्ले से आपका इमेजिनेटिव डेवलप, क्योंकि खेल किस तरीके का है ये भी तो फर्क पड़ेगा ना. इमेजिनेटिव डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कोऑपरेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी है, लर्निंग है 3 R की. ऑल्दो यहाँ पे वर्ड मतलब रीडिंग के बाद राइटिंग में, राइटिंग R से थोड़ा साउंड आ रहा है जबकि ये W से शुरू है. सो रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ये 3 चीजों के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं कि हमें ये चीजें सिखानी है खेल खेल में. ओके, प्रिंसिपल्स की बात करें प्लेवे मेथड की, तो बहुत सारे प्रिंसिपल होंगे क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का खेल खेल के थ्रू. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट रहेगा क्योंकि टीचर के गाइडेंस के अंदर चीजें हो रही हैं. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बच्चा सेल्फ एक्सप्रेस करना सीखेगा, स्पॉन्टेनिटी सीखेगा कि इंस्टेंटली जो उसके अंदर आएगा वो चीज़ें वो रिएक्ट कर देगा. फ्रीडम, हैप्पीनेस, जॉय जो है प्ले एक्टिविटीज़ में नज़र आएगा. यूनिटी सीखेगा जब हम ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएंगे. सोशलाइजेशन सीखेगा. एस्थेटिक अप्रिसिएशन सीखेगा कि कैसे आप ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे चीज़ों को. क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी, जो भी चीज़, जो भी गिफ्ट्स हैं दिए हैं उसको, या जो ऑक्यूपेशन दिया है, जो भी टाइम स्पेंड करने के लिए जगह आपने दी है, उससे वो कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ निकालने की कोशिश करेगा. लव, सिंपैथी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इनके थ्रू वो एक डिसिप्लिन भी सीखेगा. ठीक है, सो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं हम गिफ्ट्स और ऑक्यूपेशन के थ्रू. कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे फोकस करेंगे, यूनिटी पे फोकस करेंगे. जो हमने प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग 3 R की बात की है वो हम सॉन्ग्स, गिफ्ट, ऑक्यूपेशन, इन सब के थ्रू बच्चे को सिखाएंगे. सो प्लेवे मेथड है, किंडरगार्टन में भी यही मेथड्स यूज होते हैं. टीचर का क्या रोल रहेगा? टीचर का रोल रहेगा गाइडेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बच्चे की जो जो चीज़ें साइमल्टेनियसली निकलेंगी ना, स्पॉन्टेनियसली निकलेंगी, सो वो किस किस तरीके से, जिस तरीके से टीचर डायरेक्ट करेगा चीज़ों को. सो टीचर जो है उसको मतलब गार्डनर की तरह, ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं. सो टीचर एक अच्छा एनवायरमेंट, जॉय, फ्रीडम, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा. ओके, तो टीचर का रोल जो है वो कहीं ना कहीं पैसिव है, बट वो इंक्लूडेड है बच्चे को गाइड करने में. तो एक फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, ये हम बच्चे को मान सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवाने में बच्चे की हेल्प करेगा. तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या है मॉडर्न एजुकेशन में? सो नर्सरी एजुकेशन पे जो एम्फेसिस किया है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? इन्हीं का, फ्रोबल का ही तो है. सेल्फ एक्टिविटी की जो बात करते हैं एजुकेशन में, बच्चे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, बट ओवरऑल इंडिविजुअलिटी जो है उस पर फोकस नहीं किया गया है, जो हमने डीमेरिट में भी पढ़ा था. लर्निंग थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट, ताकि वो क्रिएटिव बन सके. सेंस ट्रेनिंग पे फोकस कर सके हम, खेल खेल में सिखानी है उसको चीज़ें. सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है एजुकेशन का, क्योंकि सोशल सेटिंग में हम चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना. नेचर स्टडी और इन एजुकेशन, तो नेचुरल, नेचर की स्टडी भी बच्चे को यहाँ पे सिखानी है. और प्लस वुमेन टीचर्स जो है वो नर्सरी स्टेज पे होने चाहिए. सो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई फ्रोबल का, कि ये चीज़ें नर्सरी स्टेज पे या मॉडर्न एजुकेशन में आप इस तरीके से चीज़ें कर सकती हैं. सो आज के टाइम पे भी जैसे वुमेन टीचर्स बहुत मिलेंगे आपको नर्सरी स्टेज पे, मेल कम मिलेंगे कंपैरेटिवली. ठीक है, नर्सरी एजुकेशन पे फोकस है, इसलिए अलग से अब तो जो हमारा जो NEP 2020 आया है उसके अंदर भी चीजें मेंशन है कि हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे फोकस किया है, बाल वाटिका पे फोकस किया है. ओके, सो जो क्वेश्चन निकल ही गया NEP 2020 का, तो इसमें जो स्टेजेस हैं 4, उनको आप बता दीजिएगा नाम के साथ कि कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं NEP 2020 में. ओके, तो ये हो गया जी फ्रोबल, एंड आई होप आपको समझ आए होंगे फ्रोबल के फिलोसफी. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं. किंडरगार्टन ध्यान रखिए और इनकी जो लाइफ है, जो लाइफ स्टोरी है, उसको एक स्टोरी की तरह याद रखिए, आपको ऑटोमेटिकली उनकी फिलोसफी नज़र आ जाएगी. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स.